हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज है सैटरडे। तो आज का दिन जो है ऐसे ही जाने वाले। आज मैंने घर नहीं जाना है। जब मैं सोच रही थी सैटरडे को घर चल जाऊँगी, तो सैटरडे को घर नहीं जाऊँगी क्योंकि है हस्बैंड की ड्यूटी। आज उनकी नाइट है और कल भी उनकी नाइट है, दो दिन नाइट है। तो सोच रही कल ही जाऊंगी और कल जाके सीधा मैं चल जाऊंगी दीदी के पास, बच्चों के पास रह लूँगी। और परसों फिर रिंटू भैया का बर्थडे है, तो मैंने उधर जाना है। तो इसलिए क्या बोलते उसको वो नहीं करती, मैं आज नहीं जा रही क्योंकि मंगनी की तो ड्यूटी है ना। फिर मैं कहाँ गलूँगा अकेले घर पर, मुझे मंगनी की याद आती है ना घर पर, तो इसलिए मैं नहीं जा रही। तो फिर मैं सोच रही हूँ मैं कल ही निकलूँगी। आज वैसे भी मेरे को टाइम लग जाएगा क्लास में भी क्योंकि आज मेरा प्रैक्टिकल है। सॉरी। तो जैसा कि मेरे को सबने बताया कि मुझे यहाँ पे ईचिंग की हो रही है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ने कहा एलर्जी है, मे बी एलर्जी। मतलब ना छोटे छोटे पिंपल जैसे निकल गए, बिल्कुल छोटे छोटू नहीं होते, बिद्दू बिद्दू से। वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आ रहे हैं, या मेरे को ऐसे बहम भी होता है ना, एक जब बंदे को बहम हो जाए फिर उसको लगता है कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बट थोड़ी थोड़ी इचिंग होती रहती है हर वक्त, और मैं हर वक्त ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, ऐसे ऐसे करती रहती हूँ। चलो अब मैं घर जाऊँगी, पर मैं कब दिखाऊँगी डॉक्टर को, कब दिखाऊंगी? डॉक्टर बैठता ही शाम को है उधर, शाम को बैठेगा डॉक्टर, फिर शाम को इनकी ड्यूटी है। देखते हैं कुछ तो, कभी डॉक्टर का जुगाड़ लगाना पड़ेगा फोन फोन करके। चलो एनीवे, आज मुझे मंगनी ने कॉल भी नहीं किया। साढ़े दस हो गए, क्या बोल रही हूँ, साढ़े दस हो गए, पागल ही हो गई हूँ मैं। और सुनाओ गाइस, क्या गपशप है? तो क्या बोल रही थी ना मैं, आज मैंने बनाना है पोहा। फिर से पोहा बनाऊँ या क्या बनाऊँ? पोहा नहीं होया, ओट्स ही खाती हूँ यार। पोहा नहीं बनाना है, पोहा भी तो एक तरीके के चावल ही होते हैं ना। रात को मैंने फ्राइड राइस खाए थे, कल से मैं चावल ही खाए जा रही हूँ। आज मैं चपाती बनाती हूँ या परांठा बनाती हूँ, है ना, परांठा बनाती हूँ। साथ में क्या बनाऊँगी? लेडी फिंगर पड़ी है मेरे पास, लेडी फिंगर बनाते हैं और चपाती बनाते हैं। परांठा भी बनाएंगे, चपाती बनाएंगे, तो बनाते हैं, खाते हैं, फिर चलते हैं। फिर मिलती हूँ मैं आपसे जब मेरी मम्मी की कॉल आती है, फिर भी मिलती हूँ, है ना। और हाँ, मैं ना लेडी फिंगर बनाती हूँ टमाटर वाली, अक्सर मैक्सिमम टाइम। तो मुझे टमाटर वाली भिंडी अच्छी लगती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जो बिना टमाटर वाली भिंडी खाते हैं। मुझे तो बिना टमाटर वाली भिंडी इतनी बकवास लगती है, क्या बोलूँ मैं, मतलब तो खाई नहीं जाती है, ऐसे अजीब सा लगता है मुझे, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं सब्जी नहीं खा रही, सिर्फ एक टमाटर नहीं खाती मैं साग में, और किस में नहीं खाती हूँ, हाँ साग में टमाटर नहीं खाती हूँ बस। बाकी मुझे हर एक चीज़ में टमाटर चाहिए, हर एक चीज़ में टमाटर चाहिए, खा लेते हैं। चटनी में भी टमाटर चाहिए, तो आज मैंने चटनी में बनानी है। मैं सोचो आज मैं आलू की चटनी बनाऊंगी, शाम को बनाऊंगी, कल बड़े काम है यार, बड़े ही काम है। नींदर ही नहीं खत्म होती, पहले नींदर नहीं पूरी होती, नींद पूरी हो तो काम नहीं खत्म होते, काम खत्म हो फिर नींद आती है, थकान हो जाती है, मैं तो थक ही जाता हूँ यार। हेलो मुंगनी, गुड मॉर्निंग मुंगनी, मैं ठीक हूँ, आप क्या कर रहे हो मुंगनी? ठूस रही है, मैंने अभी बनाया भी नहीं और आप खाने भी लग पड़े, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है। आपने फोन ही दूर रखा है? कहाँ दूर रखा है? दूर रखा
क्या कर रहे हो? आज मैं बनाऊंगी भिंडी और बनाऊंगी परांठा या फुलका। फुलका ही बनाऊंगी। मेरे को फिर से खांसी होने शुरू होगी, जुकाम भी हो रहा है। रात को मैं फैन लगा के सोई थी ना, ठंड लग गई। मेरे को गर्मी लग रही थी, फैन लगाया, फिर ब्लैंकेट ले लिया। क्यों हंस रही है? ऐसे फैन चलता नहीं है। रात को ये भी स्पीड में चल रहा था। मुंगनी, हमने कब आना मेरे पास? कपड़े धोने हैं। दो रहे तो है ही, कोई ऑप्शन है आपके पास? मुंगनी, बट ये मतलब अब पूरे से नहीं किया, सिर्फ इकट्ठा करके रखे, थोड़ी देर के बाद खुद भी हो जाएगा। तब तो मैंने सोचा कि सब्जी बना लेती हूँ, है ना। और ये भिंडी मेरे को अभी भी हो जाएगी और रात को भी हो जाएगी, दोनों टाइम हो जाएगी। अब बना लेती हूँ मैं सब्जी। तो मेरा डन हो गया गाइस, और ये मेरा जीरा वाला पानी। तो आज मैं छोटा सा पी लूँ क्योंकि अभी लेट हो गया, तो इतना पीने के लिए टाइम नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़ा सा बनाया। तो और लेडी फिंगर मेरी अभी ये बननी बाकी, मतलब अभी इसमें मैंने लेडी फिंगर डाली है। मुझे ऐसे वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा पान पान बन गया ऑलमोस्ट। देखा, पूरा स्क्वायर बनाया मैंने। इसमें तेल कम हो गया, जल्दी जल्दी देखो लग गई नीचे। मैं बर्तन साफ लगी करने, बर्तन साफ करते करते ये देखो बेकार हो गया। क्या था ये भाई? पर चलो ज़्यादा नहीं चली है, थोड़ी थोड़ी चली है, इतनी इतनी चल जाती है। गाइस खाना मेरा बन गया, बर्तन मेरे हो गए, सब कुछ हो गया। देखो बर्तन साफ करते मेरी टी शर्ट गिल्ली हो गई, कोई चक्कर नहीं। और मैंने परांठा बनाया, अंदर से फूल हो गया। हाँ क्या बोल, धुआं धुआं हो गया। चलो बाहर से घूम के थोड़ा सा, हाँ सीधा अंदर से बाहर निकल, ना आंखें निकलती है। धूप धूप से क्या हो जाए। चलो अंदर, बड़ा इतनी धूप में नहीं घूमते, काल हो जाता है। वैसे भी मैं धूप में घूमती हूँ तो इच्छी होने शुरू हो जाती है, इसलिए मैं अंदर ही खड़ी। इसको डोर को खुला रखते हैं, फैन लगाते हैं। तो सफाई कल संध्या कल करेंगे। और मैंने बेडशीट निकाल के रखा वो ऊपर, मुंगनी ने धोनी आ के, और गर्म कपड़े भी मुंगनी ने धोने आके, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने हैवी काम करने से मना किया हुआ है। मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मैं कुछ काम नहीं करती, मतलब हैवी काम नहीं करती। लाइक उसने बोला हैवी चीज़ें नहीं उठानी, तो हैवी काम कुछ नहीं करना, वो उसमें मतलब क्या हुआ है, तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें नहीं करती। यार इतना धुआं फैन लगाया थे तब मेरे आँख में धुआं लगने लग पड़ा। तो अभी होते हैं हम रेडी, नहाती हूँ मैं पहले, फिर खाना खाती हूँ, फिर रेडी होते हैं, फिर चलते। तो गाइस अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, जो भी करना बाद में करते हैं। और इसके साथ मैं अमूल लस्सी भी पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी जल्दी हो जाती है, इसलिए मैं लस्सी ज़रूर पीती हूँ खाने के साथ। अब खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। मैं हो गई रेडी, सोई सोई लग रही हूँ ना थोड़ी, मेरे बाल ये मैंने अच्छे से हेयर स्टाइल किया था। चलो कोई बात नहीं, बड़ा है तो मेरे को कोई फैशन शो चल रहा है। आज मैं जा रही हूँ शॉर्ट्स पहन के, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी और शॉर्ट्स पहनी गई थी। ओके, और जम्मू में रह के तो इतना तो कर ही सकते हैं लोग। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। और गाइस ये है मेरी आज की मेहनत, देख लो भाई। ये ना फेक नेल टिप्स हैं जो कि लगाई हुई हैं, मतलब ये पूरे के पूरे फेक्स हैं। इसके ऊपर कोई हमने जाल लिया कुछ लाइक वैसा नहीं लगाया, सिर्फ फेक टिप्स है। उसके साथ हमने नेल एक्सटेंशन की हुई है,
मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैंने की है। आज मेरा फर्स्ट डे था मतलब एक्सटेंशन का, तो मैंने फर्स्ट डे ही ऐसा एक्सटेंशन किया है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने कैसा एक्सटेंशन किया है। तो ये कर ही रही थी तो मैंने एक लड़के को बोला कि मेरी थोड़ी सी क्लिप बना ले भाई, प्रूफ हो जाए कि मैंने ही किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे बफिंग कर रही थी तो उसने मेरी क्लिप बना ली एक। तो आज मैंने दो नेल एक्सटेंशन किया, एक तो ये किया, एक तो पहले किया जो, और मुझे दोनों काफ़ी अच्छा, मुझे खुद कर रहे हैं तो खुद पसंद आएगा ही। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये। अगर कोई करवाना भी चाहता है तो मुझे प्लीज़ DM कर सकता है, तो मैं उसके भी कर लूँगी। तो मुझे एक्चुअली वहाँ पे करना, इंस्टाग्राम पे DM करना नेल्स के लिए, और आप ये क्लिप्स इंजॉय करो। थैंक यू गाइस। आज का दिन इतना ज़्यादा हेडेक था ना मेरे लिए, ओह माय गॉड, मैंने दो हाथ की एक्सटेंशन की है और मैं थक गई। मेरे शोल्डर में इतनी ज़्यादा पेन हो रही है, पता नहीं क्या एक्सरसाइज नहीं, आज एक्सरसाइज शुरू हुई है। तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना कि कैसी हुई थी वो। और गाइस मैं पहुंच गई फाइनली रूम में, मैं बहुत ज़्यादा थक गया। ओह माय गॉड, जो मैं त्राड़ डाला देखना। अब मैं लेटूंगी कहाँ, पहले मुझे उसमें लेटना पड़ेगा, फिर मैं कहीं जाके लेटूंगी। कपड़े तो मैंने पहन नहीं यार, मैं ड्रेस पहन के गई, वहाँ पे वाइट कलर का टॉवल था और वो सारा वाइट वाइट मेरे इधर टॉप पे चिपक गया। जिंदगी बर्बाद हो गया। आज मैंने सफाई भी करनी थी पर कल ही करूँगी, कल सफाई करके ही जाऊँगी घर। मैं ऐसे ही लेट जाती हूँ हर देर। ओह माय गॉड, इतनी से दर्द हो रही है ना मेरे, प्राण निकल रहे हैं। अब मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए, नहीं पहले कपड़े चेंज करूँगी फिर सोऊँगी फिर जागूँगी फिर। हाँ यार, मैंने खाया भी नहीं कुछ, अब मेरे को फिर खानी शुरू होगी। मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस पे थोड़ी सी डस्ट लगती है ना या धूप लगती है ना, तब मुझे इचिंग होती है, ऐसे नहीं होती है, मुझे लग गया पता। और साथ में अब मैं पता क्या खाऊंगी, अब मैं कप्पा नूडल ही खा लूँगी क्योंकि अब मेरे को बनाने की होश नहीं है। कप्पा नूडल ही खाती हूँ ना, उसको ही रखती हूँ, या तो सॉरी मैगी खाती हूँ। मिलती हूँ, देखती हूँ क्या खाती हूँ, पहले खाना ज़रूरी है भाई, भूख लगी बड़ी ज़्यादा, भूख के कारण भी सिर दर्द हो रही होगी मुझे लग रहा है ऐसे। अब ज़ोमैटो करूँगी, बड़ी लेट आएगा, इससे अच्छा है कि मैं पहले कुछ जो घर पे है जो जल्दी बन सकती मैं वही खाती हूँ। पास्ता मैंने कल खाता, आज भी खाना पास्ता, देखती हूँ कुछ और ही खाती। नींदू भी आया था, देखते हैं कुछ बनाते हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ ये, क्योंकि इसमें सिर्फ गर्म पानी रख डालना और 5 मिनट के लिए रखना, डेड बन जाएगा। तो इस वक्त तो थोड़ी ज़्यादा जल्दी यही बन सकता है, इसलिए मैं यही बनाने लगी हूँ। अब मैं बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ऐसे रेडी हो गया, अब मैं इसको खा सकती हूँ भाई, बन गई है। और इस रात का खाना भी बनाना है यार, पीछे जो सामान है वो इग्नोर करना, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, ज़्यादा इतना घूमने नहीं जा रहा क्लीन शेप। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग खत्म करती हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा से दर्द हो रहा है और आगे मुझे कुछ भी मतलब बनाने का, व्लॉग बनाने का तो एटलीस्ट नहीं मन कर रहा। इतना सा काफ़ी है आज के लिए, तो कल मिलेंगे हम एक नए व्लॉग के साथ। और होप करूँगी कि कल मेरी जो सिर दर्द है, मेरे एक्चुअली में मेरे माइग्रेन है, जब मैं कुछ ज़्यादा मतलब वो करके काम करती हूँ तो मेरे सिर दर्द स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो जाती है, स्वेलिंग होगी मेरी आँखों के नीचे। जब माइग्रेन की पेन होती है तो मेरी आँखें स्वेल कर जाती हैं, तो अभी वही हो गया। तो एंड करते तो मिलेंगे कल, तो करते हो मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।